good morning people, welcome back to my channel. Hello and good morning and welcome back to my channel. Kitni baar hand ho gaya. Good morning people, welcome back to my channel and welcome back to yet another video or vlog. Anyway though, I hope all of you are doing really really well. अभी बज रहे हैं सुबह के एग्जैक्ट 8 और मैं जा रही हूँ अपना इडली सांभर चटनी खाने. बस आपको थोड़ा सोचा गुड मॉर्निंग कर लूँ, उसके बाद फिर दिन स्टार्ट करेंगे. एक प्लेट में मैंने इडली ले ली, एक चटनी और सांभर, और ये रही मेरी कॉफी. बहुत दिनों के बाद आपको व्लॉग में कॉफी दिखा रही हूँ. सो या थोड़ी कम कर दी है कॉफी पीनी. हाँ बाकी सब ठीक, बस चल रहा है. ओके सी यू. दोस्तों मैंने लगा लिया चश्मा और मैंने अंदर चला था फास्ट कार्ड, और ना चाहते हुए भी मुझे हत्यारन बनना पड़ेगा क्योंकि इन मच्छरों ने जान खा के रखी हुई है. मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बेहोश पड़ेंगे और मैं एक एक करके इनको अब मारूंगी. दोस्तों यहाँ पे मैंने जलाया है ये फास्ट कार्ड. ओके एक, ये दूसरा, दो, तीन, चार. बहुत खाया दोस्तों रात को इन्होंने. पांच और छह तो साथ साथ ही है. पांच छह ये सात. दोस्तों आप देख रहे हो कितने मच्छर हैं. एक ये आठ, और मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ. नॉट लाइंग आठ, एक ही मैंने मारा था और ये मेरा खून लगा यहाँ पे. नौ तो मैंने आपके सामने मार दिए, ठीक है नौ. और कितने मैं आपको बताने से पहले मार कर दी थी. नौ तो मैंने दोस्तों ऐसे ही मार दिए, और भी कई सारे हैं मैं दिखाती हूँ आपको. ये रहा दसवां, देखिए दस. मैंने ना पूरे कमरे की सफाई की. ये ग्यारह, बारह और तेरह. हाँ सोच सकते हो. ओ एक उड़ गया. ग्यारह बारह, लेकिन तेरह मुझे शिकार मिल गया. तेरह तेरह छोड़ूंगी नहीं आज मैं. इतना काटा है ना दोस्त उन्होंने. चौदह, चौदह तो मैंने चिपकाई दिया जमीन से. और ये रहा पंद्रहवा, बेहोश पड़ा है. ये देखिए कितना मेरा खून भी है इसने. पंद्रह. और ये रहा सोलह, ये थोड़ा कम बेहोश है, इसको आराम से मारना पड़ेगा. सत्रह. और ये देखो कितने मारे मैंने. अठारह, उन्नीस और बीस. खून, इतना खून पिया था इन्होंने मेरा. बीस मच्छर है ये. बीस झुन झुन के बदला लूंगे. इक्कीस मारे नहीं मैं. इक्कीस बाईस तेईस. देखो तो कितना खून पिया था मेरा. और शिवम का चौबीस, ये देखो चौबीस, ये पच्चीस, ये छब्बीस, छब्बीस. ओ माय गॉड, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस. दोस्तों उनतीस, ये सब मैंने कूड़ा निकाल के फेंका हुआ है ताकि इसके बीच में फंस जाए. ट्वेंटी नाइन एंड दिस वन इज थर्टी. तीस मच्छर है दोस्तों. और अभी मैंने कितने मार दिया आपको दिखाने से पहले. थर्टी वन, थर्टी वन. और आपको लाइव दिखा दी, देखो थर्टी टू, थर्टी थ्री, थर्टी टू, थर्टी थ्री. ओ माय गॉड, थर्टी फोर्थ दोस्तों, थर्टी फोर. अभी और मारेंगे दोस्तों, अभी तो बेहोश हो रहे हैं ना ये. जितना मैंने खून, छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं दोस्तों इनको. सारों को मारती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे. आई विल नॉट लीव देम टुडे. ये कत्ल करना जरूरी है दोस्तों. मिलती हूँ दोस्तों. बहुत है दोस्तों, ध्यान से देखना पड़ेगा. ये सोच रहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन कुत्ते की जब मौत आती है ना, देखो दोस्तों कितना इसने मेरा खून पिया है. और दोस्तों फिर मच्छरों का कत्ल करने के बाद रात को अंकल, मैं और शिवम, हम तीनों गए थे. हमारे घर के पास ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम वसंतम है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है. और यहाँ पे अंकल ने अपनी टॉर्च ले ली हुई थी. सोचिए मोबाइल लाइट के ज़माने में टॉर्च लाइट कैसा अजीब सा लगता है ना. और फिर यहाँ पर शिवम से छुपाते छुपाते मैंने कुछ ना कुछ व्लॉग कर लिया था, थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना ली थी. अंकल और ये चल रहे थे, पता नहीं रोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. कुछ चल कर फाइनली हम पहुंच गए थे इस रेस्टोरेंट में. और बाहर से ये नॉन एसी था, यानी कि जो जनरल लोग हैं, जैसे जो काम कर रहे हैं या सिंगल आदमी लोग जो होते हैं जिनको खाना अकेले खाना होता है, वो बैठ के खाते हैं. और फिर इसके अंदर वाला जो हिस्सा है ये एसी वाला हिस्सा है, इसमें भी सब लोग बैठते हैं. और साउथ की एक बहुत अजीब सी या फिर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ना कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी, कोई भी कहीं पर भी बैठ के किसी के भी साथ खा लेता है. फाइनली हमको मिल गई थी फिर एक टेबल, तो हम लोग चल पड़े अपनी टेबल की तरफ. बिल्कुल कॉर्नर मिला था और बहुत ही ज़्यादा कामिंग लाइट्स थी. यहाँ पे डिबेट हो रहा था कौन कहाँ बैठेगा,
अंकल कह रहे थे कि पल्लवी के साथ बैठो, शिवम कह रहे थे मैं आपके साथ बैठूंगा, और फाइनली हम बैठ गए। खाने के वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं मुझे पसंद नहीं है पर्सनली खाते टाइम बोलना, बात करना है, कुछ भी करना, पर आने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी करती हुई दिखूंगी क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो खा पी कर हम चल पड़े मस्त यहाँ से बाहर। फिर अंकल पूछ रहे थे इनसे कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, फिर अंकल हमको इनका हॉल दिखाने के लिए ले गए। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए चल रहे हैं हम, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी मुझे शोर को कि अंकल हम दोनों को क्यों हॉल में देखने लेके जा रहे हैं, और मेरा पिंपल देखिए कितना मोटा है। एक बार यहाँ पे शिवम का हाथ देखना, हाथ पीछे करके ऐसे चल रहे जैसे मेरे फादर इन लॉ का हॉल हो। मतलब हम घुसे थे दोस्तों इसके अंदर, एवरी अंकल टाइम पास कर रहे थे। बस दोस्तों ऐसी छोटी छोटी खुशियों से अपना पिटारा भर रही हूँ मदुरई में, आगे बहुत याद आएंगे ये सारी मेमोरीज। बस अब इतना ही, मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप सब खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।